तो आप लोगों को पता ही होगा कि वैक्सीन लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी की जाती है। तो सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो वो बहुत बड़ा होता है, कहीं ले जाने में परेशानी होती है और आगे चल के ये भी परेशानी होने वाली है कि आपको हर जगह जो है ट्रेवल करते वक्त आपसे वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। तो सर्टिफिकेट को लेकर जाना थोड़ा सा परेशानी है क्योंकि ये जो है इतना बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा साइज को ले जाना बहुत परेशानी की बात है। तो इसी का जो है मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप इसे आधार कार्ड की तरह छोटा बनाकर, खुद से छोटा बनाकर इसको पॉकेट में ले जा सकते हैं और जब भी आपसे मांगी जाए कि दिखाइए आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, तो आप छोटा सा कार्ड दिखा सकते हैं। तो ये जो आपके सामने जो कार्ड दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल आप इस कार्ड की तरह आप खुद से बना सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद से अपने मोबाइल से इसको बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस कार्ड को आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं आपको मोबाइल से ही बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल ले लेना है दोस्तों। मोबाइल लेकर आपको सबसे पहले आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे आपको टाइप करनी है जो कोविन है, कोविन पोर्टल पे जाना है। तो मैं कोविन टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। कोविन टाइप करिए और देखिए यहाँ पे वेबसाइट आपको दिखाई देने लगेगी। कोविन में टाइप करके इसे सर्च कर लेता हूँ गूगल में, तो ये सर्च हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको पहला साइट दिखाई दे रही है, देख पा रहे होंगे, kovin.gov.in, इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही देखिए ये जो है आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है आप इसको पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, जो रजिस्टर बटन दिखाई दे रही है यहाँ पे, रजिस्टर पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वैक्सीनेशन लेते वक्त, तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद जो नीचे आपको गेट OTP दिखाई दे रही है, गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP भेजी जाएगी। अब दोस्तों आपको एक OTP भेज दी जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद जो वेरीफाई दिखाई दे रही है, वेरीफाई एंड प्रोसीड, इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। OTP डालने के बाद दोस्तों, OTP डालने के बाद यहाँ पे आप इसे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसीड करते ही जो भी आपने वैक्सीनेशन लिया है उसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो जितने भी आपके नंबर पे रजिस्टर्ड लोग हैं उनका सारा का सारा नाम दिखाई देगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रही है, सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल चुका है, बस इस पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, इसे डाउनलोड कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन ये जो इतना बड़ा है तो इसको ले जाने में परेशानी है। तो इसको कार्ड में कैसे बदलना है मैं आपको सिखाऊंगा, तो देखिएगा कैसे करना है। अब दोस्तों आपको फिर से गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे टाइप करना है PDF to JPG, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ PDF to JPG पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने जो वेबसाइट आएगी उसे ओपन कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है सेकंड वाला, तो इसको आप ओपन कर लेंगे और अपना जो है JPG में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है PDF को, तो PDF फाइल को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और जहाँ पे भी ये रखा गया है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये रहा, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो है आपका कन्वर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, देख सकते हैं कन्वर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसी पे आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका PDF से ये फोटो में तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड JPG इमेज, तो इस पे क्लिक कर लेंगे, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होते ही इसे ओपन करके आप फिर से देख सकते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है, अब ये फोटो बन गया है, ठीक है। पहले PDF था, अब ये फोटो बन चुका है, अब इसे बनाना आसान होगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है, प्ले स्टोर में खोलकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों पिक्सल लैब, ठीक है। पिक्सल लैब मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है, मैं इसे देखिए ये जो है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब भी आपका आ जाए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ और इस तरीके का आपको पेज खुलेगा। तो चलिए पहले इसको आपको डिलीट कर लेनी है और इस पेज का कलर जो है चेंज कर लेना है। तो मैं इसे पहले व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है, व्हाइट कर लेते हैं
ये व्हाइट कलर हो गया। अब हमें इसको आधार कार्ड का साइज देना है, ठीक है, साइज देना है आधार कार्ड का। तो मैं पहले साइज आपको बता देता हूँ कि कितना डायमेंशन होना चाहिए। डायमेंशन बदलने के लिए आपको इमेज वाले पे सेलेक्ट करना है, पेज साइज वाले पे सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं इमेज साइज है, यहाँ पे क्लिक करके कस्टम कर सकते हैं। तो कितना साइज देना है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है इस पे आपको कस्टम पे क्लिक करनी है और ये YouTube थंबनेल पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, ये पेज अब आप देख सकते हैं छोटा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपना फोटो लगाना है जो हमने बनाया था, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और मैं यहाँ पे पहले डाउनलोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ये देखिए डाउनलोड पे आ चुके हैं। तो यही वाला सर्टिफिकेट था, तो इसे हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आधा यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, आधा ले लेते हैं, ये रहा। अब ओके पे यहाँ पे देख सकते हैं ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा आधा पेज तैयार हो चुका है, यानी फ्रंट पेज जो है आगे का हिस्सा तैयार हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा इसको फिट कर लेते हैं, तो इस प्रकार से बड़ा कर लेना है, जितना भी साइज आपको लगे उतना बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब बॉर्डर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर दे देंगे, ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देते हैं। देख सकते हैं बॉर्डर आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर दे सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि ये फिट हो जाए। देख सकते हैं ये आपका फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद कस्टम पे क्लिक करेंगे और अल्ट्रा पे क्लिक कर लेंगे। करने के बाद ये आपका एक पेज जो है आपका फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। अब हम लोग गैलरी में जाकर देख लेंगे कि जो हमने बनाया है वो बना या नहीं बना। तो देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ये तैयार हो चुका है फर्स्ट पेज। तो इसी प्रकार से एक पेज तो तैयार हो गया, अब हम लोग पीछे वाला हिस्सा तैयार करेंगे। तो हम लोग फिर से पिक्चर लैब में जाकर हम फिर इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, देख सकते हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से हमें एक इमेज इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट करते हैं। अब फिर से हमें अब जो है पिछला हिस्सा लेना है, तो पीछे वाला हिस्सा यहाँ से इतना ले लेंगे, ठीक है, जो भी आपको लेना है इतना ले लेंगे और इसको ओके करेंगे। ओके करते ही देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा फिर बड़ा करेंगे खींच कर, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल कर लीजिए, देखिए ये बड़ा हो चुका है। अब फिर से हमें बॉर्डर दे देना है इस पेज में भी। अब देखिए ये आपका बॉर्डर बनके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं, पहले एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये कस्टम पे क्लिक करेंगे, अल्टा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। तो ये जो है आपका गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद दोस्तों आप अपनी गैलरी में देख सकते हैं दो पेज आपका तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ये आपका पिछला वाला हिस्सा हो गया और ये आगे वाला हिस्सा। अब ये आप किसी भी दुकान में जाकर, कंप्यूटर वाले दुकान में जाकर निकलवा लीजिए, आपको 10-20 रुपये जो भी लगेगा वो लगेगा। और इस टाइप का आपको कहिएगा कि आपको आधार कार्ड के साइज का आपको बनाकर निकाल देगा। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पर्पल की अपडेट के लिए। और इसे कहीं भी ले जाना बिल्कुल आसान है, पॉकेट में रख के लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।